कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने एक बार फिर विदेश जाने की इजाज़त मांगी है। जैकलिन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने कोर्ट से विदेश जाने की इजाज़त मांगी है, जिसके लिए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। जैकलिन की याचिका पर 25 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी। जैकलिन ने कोर्ट से 29 जनवरी को एक दिन के लिए दुबई जाने की इजाज़त मांगी है। उन्होंने अपने वर्क कमिटमेंट की बात कही है। इससे पहले जैकलिन ने पिछले साल 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन जाने की इजाज़त मांगी थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि वो अपनी बीमार माँ से मिलना चाहती हैं, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल ईडी लगातार जैकलिन के विदेश जाने की मांग का विरोध कर रहा है। जांच एजेंसी का कहना है कि अगर वो विदेश चली गई तो वापस नहीं आएंगी। गौरतलब है कि एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही का नाम कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। जैकलिन पर आरोप है कि उन्होंने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगे महंगे गिफ्ट लिए थे। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। सुकेश पर रसूखदार लोगों से ठगी करने का आरोप है। सुकेश दिल्ली की मंडावली जेल में बंद है।